योगर्ट की हम बात करें, सेमी सॉलिड फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, हीट ट्रीटेड स्टैंडर्डाइज मिल्क से प्रोड्यूस होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ सम माइक्रोब्स, ठीक है। अच्छा, अब इन माइक्रोब्स का मैंने आपको बताया था कि हमने जितने पहले अभी माइक्रोब आपको शायद इसी चैप्टर के अंदर पहले एक टेबल भी है, काफी सारे माइक्रोब्स का जिक्र हुआ है, विच आर यूज्ड टू मेक योगर्ट, विच आर यूज्ड टू मेक चीज। लेकिन अब हमने जरा स्पेसिफिकली थोड़े से नाम जहन में रखने हैं, ठीक है। योगर्ट के लिए दो मेजर बैक्टीरिया यूज होते हैं, ठीक है, ठीके? और वो बैक्टीरिया कौन से हैं, वो उनका नाम मैं आपको बताती हूँ। एक है सो ब्लेंड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ठीक है, इसको हम एसटी कहते हैं, एंड लैक्टोबैसिलस, अच्छा ये दरमियान का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, ठीक है, LB इसको कहते हैं, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। सब स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस के नाम से तो आप लोग जानते हो ना, थर्मोफिलस का क्या मतलब होगा? थर्मोफिलस मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसको हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं ना, एक थर्मोफिलस या फिर मीजोफिलस। सो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि थोड़े से हायर टेम्परेचर पे ग्रो या रिप्रोड्यूस करते हैं ना, सो 35 डिग्री से अबव। और मैंने आपको ये बताया था कि योगर्ट में ज्यादातर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ही यूज किए जाते हैं ना, सो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ये हो गया, और लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस एक स्पीशी है। स्पेशली लैक्टोबैसिलस आपको पहले ही पता है कि नाम से पता चल रहा है कि ये मिल्क के साथ इन्वॉल्व होगा लैक्ट की वजह से ना, सो ये दोनों का सिम्बियोटिक ब्लेंड होता है। सिम्बियोटिक ब्लेंड का क्या मतलब है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, एक सिम्बियोसिस होता है साइंस के अंदर, सिम्बियोसिस का ये मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आपस में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो या रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट ऐसे होता है कि एक के मेटाबोलाइट्स को, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो प्रोडक्ट्स बना रहा है उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म यूज कर रहा है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो प्रोडक्ट्स बना रहा है उसको पहला ऑर्गेनिज्म यूज कर रहा है, और यूं वो आपस में मिलके बड़ी अच्छी तरह एक दूसरे की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को फेवर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो मतलब अलग-अलग इंडिपेंडेंटली भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपस में जब ये सिम्बियोटिक ब्लेंड होता है ना, तो एक दूसरे की ग्रोथ या रिप्रोडक्शन को ज्यादा बेहतर तौर पर वो फेवर कर, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के अलावा कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, कुछ और कल्चर्स भी ऐड किए जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही बेसिक आप लोगों ने याद रखना है। उसके अलावा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, लैक्टोबैसिलस कैसाई है, बिफिडोबैक्टीरियम स्पीशीज, तो इनके नाम बेशक ना याद हो, लेकिन जो बेसिक जो है ना दो, वो दोनों आप लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और ये योगर्ट किसी भी एनिमल के मिल्क से बनाया जा सकता है, काउ, वाटर बफलो, गोट, शीप, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस। और इसके अंदर आपको पता है कि जिस तरह मिल्क में फोर्टिफिकेशन हो सकती है, तो वो योगर्ट की भी फोर्टिफिकेशन हो सकती है विद विटामिन ए या विटामिन डी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम योगर्ट के देख लेते हैं चीजें कि हमें योगर्ट बनाने के लिए क्या क्या इंग्रीडियंट्स चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो बेसिक इंग्रीडियंट है दैट इज मिल्क, और मिल्क की हमने बात कर ली कि वो होता है हीट ट्रीटेड भी हो और वो भी हो, स्टैंडर्डाइज्ड भी हो, है ना। अच्छा, और ये इस मिल्क के अलावा अगर हम बात करें ना खासतौर पे कमर्शियल लेवल पे, तो मिल्क के अंदर ज्यादातर वो कुछ और सॉलिड्स भी ऐड करते हैं ताकि ज्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस हो, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि जैसे कुछ लोग घरों में भी योगर्ट जब फर्मेंट करते हैं ना, तो वो उसके अंदर थोड़े से मिल्क पाउडर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, मिल्क पाउडर ऐड करके उसके बाद उसकी फर्मेंटेशन की जाती है ताकि थोड़ी सा ना थिक मिल्क, थिक योगर्ट प्रोड्यूस हो, ठीक है। सो कमर्शियल लेवल पे वो ऐड करते हैं मिल्क सॉलिड्स नॉट फैट। मिल्क सॉलिड्स नॉट फैट का क्या मतलब है, All the solids of the milk except fat. अब उनमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, उसमें मिल्क प्रोटीन्स भी आ सकती हैं, मिल्क शुगर भी आ सकती हैं, मिल्क ऐसे मिल्क वो जो सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, मिनरल्स जो हैं, वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन फैट नहीं होता, ठीक है। सो टू मेक योगर्ट मिक्स, मिल्क इज सप्लीमेंटेड विद नॉन फैट ड्राई मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क टू इंक्रीज द सॉलिड्स नॉट फैट। सो मिल्क के अंदर नॉन फैट ड्राई मिल्क या फिर इस तरह कंडेंस के मिल्क डाला जाता है कमर्शियल लेवल पे, ताकि थोड़ा सा ना टू जनरेट अ थिक कस्टर्ड लाइक कंसिस्टेंसी, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी को
थिक करने के, वैसे तो कंसिस्टेंसी थिक ऑब्वियसली होगी भी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन से, लेकिन इससे जरा और आपको पता है कमर्शियल लेवल का जो योगर्ट होता है वो बड़ा एक स्पेसिफिक कंसिस्टेंसी का होता है, और जैसे मैंने आपको बताया भी था लास्ट लास्ट में कि उसमें काफ़ी और चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है ताकि हर दफ़ा एक यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस हो। घरों में तो हमारा होता है ना कि कभी बड़ा अच्छा योगर्ट हो जाता है फर्मेंट, कभी नहीं होता, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, मिल्क की क्वालिटी भी हो सकती है, टाइम टेम्परेचर भी हो सकता है, लेकिन कमर्शियल लेवल पे वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती है। और ये सॉलिड्स जो हैं दे आर एडेड अप टू 12%, ठीक है। आपको पता है वैसे जो यूनिफॉर्म जो स्टैंडर्ड मिल्क होता है उसके अंदर मिल्क सॉलिड्स नॉट फैट की अराउंड 8% होती है ना, तो उसकी परसेंटेज को बढ़ाया जा रहा है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। सो मिल्क हो गया, मिल्क को ही ट्रीटेड भी हो, स्टैंडर्डाइज भी हो, और उसके अंदर कुछ सॉलिड्स भी ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। सो ये तो इंग्रेडिएंट्स हो गए, और उसके अलावा फैट की स्टैंडर्डाइजेशन हो, जैसे मैंने भी ये बताया, तो ये हमारी मर्जी है कि हमने या फिर फैट इज स्टैंडर्डाइज 3.25% फॉर फुल योगर्ट, फुल फैट योगर्ट, यानी कि आपको पता है वैसी मिल्क के अंदर स्टैंडर्ड मिल्क के अंदर 3.25 ही होता है, तो 3.25 ही रहने दिया जा सकता है अगर हमने फुल फैट योगर्ट बनाना है, या फिर 0.5 to 2% मिल्क फैट हो सकता है टू जनरेट लो फैट, और या फिर 0.5 से भी कम अमाउंट हो सकती है फैट की टू जनरेट नॉन फैट, ठीक है। अब इसके अंदर वो नहीं है जैसे मिल्क में था ना, रिड्यूस्ड फैट और लो फैट में भी डिफरेंसेस थे, इसमें खाली लो फैट ही है, रिड्यूस फैट की परसेंटेज आप लोगों ने याद रखने की जरूरत नहीं है लेदर से, ठीक है ना। सो फुल फैट में पूरा होगा, लो फैट में 2% तक हो सकता है, ठीक है। और जो नॉन फैट है जिसको हमने स्किम मिल्क में भी पढ़ा था ना, उसके अंदर 0.5% से कम होना चाहिए, ठीक है। स्किम मिल्क में भी 0.1% ही था आई गेस, है ना। सो इतनी ये मुश्किल चीजें नहीं है, 3.25 बस याद रख लो ना, तो उससे कम होगा तो जाहिर सी बात है वो लो फैट होगा, बिल्कुल कम होगा तो वो नॉन फैट होगा, ठीक है। सो ये इंग्रेडिएंट हमारा हो गया मेजर, जो मिल्क है और सॉलिड्स हैं वो हमारे डेयरी इंग्रेडिएंट्स हो गए। उसके अलावा कल्चर भी तो चाहिए ना उसको इनोकुलेट करने के लिए, और कल्चर अभी हमने बता दिया कि वो ज्यादातर होता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है। तो ये कल्चर हमें चाहिए, और ये कल्चर ये जो बैक्टीरिया जो मैंने आपको बताया ना, ये मैंने आपको ये भी बताया कि इसके प्रोबायोटिक बेनिफिट्स भी होते हैं ना, तो ये फूड ग्रेड कल्चर्स होते हैं, फूड ग्रेड कल्चर्स का मैंने आपको बताया था वो जो के विच आर विच कैन बी सेफली यूज्ड इन अ फूड ना, उसको हम फूड ग्रेड कल्चर्स कहते हैं। इसी तरह फूड ग्रेड कलर्स भी होते हैं, लेकिन अभी खैर हम कल्चर्स की बात करेंगे। और प्रोबायोटिक्स की यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन भी आ गई कि दे आर फूड ग्रेड कल्चर्स विच अपॉन इंजेक्शन हैव बीन इम्पार्ट सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स, फॉर इंस्टेंस इम्यून एनहांसमेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इम्प्रूवमेंट्स। ये मैंने आपको डिटेल में पॉइंट वाइज भी मैंने आपको बता दिया था कि उसमें वेट लॉस भी आता है और वो सारी चीजें प्रोबायोटिक्स का बेनिफिट है। अब प्रीबायोटिक को उसके साथ मिक्स ना करना, प्रीबायोटिक इनी प्रोबायोटिक का फूड होता है जिसके अंदर स्पेशली सॉल्युबल फाइबर आता है, पेक्टिन्स आते हैं, लेग्यूम से भी मैंने आपको बताया था ना जो फाइबर होता है, तो वो फाइबर सारा इन प्रोबायोटिक्स के लिए एज अ प्रीबायोटिक काम करता है, या फिर प्रीबायोटिक को आप समझ लो दे एक्ट एज अ फूड फॉर प्रोबायोटिक्स, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब यही हम अभी हम बात कर रहे हैं वो सारी जो दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है ना कल्चर का, उसके अंदर ये भी याद रखना कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन ऑर्गेनिजम्स का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी कि ऑल्दो दे कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली बट दे यूटिलाइज ईच अदर्स मेटाबोलाइट्स टू इफेक्ट रिमार्केबल एफिशिएंसी इन एसिड प्रोडक्शन, ठीक है। तो एक दूसरे के वो मेटाबोलाइट्स को यूज करके बड़ी अच्छी वो फर्मेंटेशन होती है, बड़ी अच्छी उनकी ग्रोथ और रिप्रोड्यूस होती है, रिप्रोडक्शन होती है, और आपको पता है जितना अच्छे वो ग्रो या रिप्रोड्यूस करेंगे उतनी ही वो ज्यादा एसिड प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि लैक्टोज को उतना ज्यादा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये बात याद रखनी है कल्चर में। उसके अलावा ये भी याद रखना है कि ये माइक्रोब्स जो हैं, ये जो कल्चर है दैट इज माइक्रो एरोफिलिक। अब ये माइक्रो एरोफिलिक का क्या मतलब है, एक आपको पता है एक चीज होती है एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, एक होते हैं एनएरोबिक जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है फॉर ग्रोथ, और माइक्रो एरोफिलिक का ये मतलब है कि इनको ऑक्सीजन तो चाहिए लेकिन
कम लेवल की ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगी एनवायरनमेंट की तो इतनी अच्छी इनकी रिप्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। सो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। माइक्रो एरोफाइल इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव बट रिक्वायर्स एनवायरनमेंट कंटेनिंग लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीजन दैट आर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, यानी कि नॉर्मल एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से कम लेवल्स होंगे तब इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये अब ध्यान में रखना कि चूंकि इन कल्चर्स को कम चाहिए ऑक्सीजन, तो इसीलिए जिस मिल्क को हम वो कर रहे हैं ना, जिसके अंदर ये कल्चर्स डाल रहे हैं, उसके ऑक्सीजन लेवल्स को कम करना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ जरा अच्छी हो। और वो उसीलिए हम ये जो हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस कर रहे हैं ना, एक तो आपको पता है हीट ट्रीटमेंट का ये भी फायदा होता है कि सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स स्टरलाइज हो जाए, यानी कि सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाए। और दूसरा ये भी मकसद है हीट ट्रीटमेंट का कि मिल्क के अंदर जो डिसॉल्व्ड गैसेस हैं, स्पेशली जो ऑक्सीजन है, उसके लेवल्स कम हो जाएं ताकि इन ये जो कल्चर हम डाले जा रहे हैं ना, उनकी ग्रोथ जरा अच्छी हो जाए। क्यों? क्योंकि दे आर माइक्रो एरोफिलिक, उनको ऑक्सीजन के लेवल्स कम चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, मैं अभी आपको ये दोबारा जब हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं ना, मैं आपको दोबारा ये रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। सो ये सारी बातें होगी कल्चर से रिलेटेड जो हम मिल्क के अंदर डाल रहे हैं। अच्छा, ये दो इंग्रेडिएंट्स हो गए ना, एक मिल्क हो गया, दूसरा कल्चर हो गया। उसके अलावा ये योगर्ट बनाने के लिए कुछ कमर्शियल लेवल पे स्वीटनर्स भी चाहिए होते हैं। आपको पता है योगर्ट जो कमर्शियल लेवल का होता है, बड़ा अच्छा स्वीट सा टेस्ट होता है, तो उसके लिए स्वीटनर्स डाले जाते हैं। लेकिन वो स्वीटनर्स की एक परसेंटेज होती है खास, अगर उससे ज्यादा परसेंटेज डाले जाए ना, तो वो फर्मेंटेशन को हिंडर करता है, मतलब रोकता है, ठीक है। सो ज्यादातर क्यों हिंडर करता है, क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो चेंज कर देता है, जिसकी वजह से इट इनहिबिट्स and decline in the rate of acid production by the culture, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। So 8% of sucrose is acceptable in the industry, ठीक है। So 8% से ज्यादा ना हो sucrose जो हम डाले जा रहे हैं। लेकिन अगर जो स्पेशली हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, अगर या फिर अगर हमने लाइट योगर्ट बनाना है जिसके अंदर मतलब कैलोरीज, अगर हम थोड़े कैलोरी कॉन्शियस हैं, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे लाइट योगर्ट या फिर लो कैलोरी योगर्ट बनाने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं। हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स क्या होते हैं? ये वही आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो के जिसके अंदर एस्पार्टेम है, सुक्रलोज है, शायद आप लोगों ने इनके नाम सुने हो। ये स्वीटनर्स क्या होते हैं, ये इनकी जो स्वीटनेस है ना, वो टेबल शुगर की निस्बत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, 100 times तक ज्यादा होती है। और उस वजह से हम इसकी बस थोड़ी सी अमाउंट भी ऐड करें ना, तो हमारी डिजायर्ड स्वीटनेस प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली उसमें कैलोरीज कम जाएंगी क्योंकि हम बहुत कम अमाउंट डाल रहे हैं। तो इसलिए हम अगर हम लाइट योगर्ट बना रहे हैं या फिर कैलोरीज मतलब के कम कैलोरीज कम करना चाह रहे हैं योगर्ट की कमर्शियल लेवल पे, तो हम ये स्वीटनर्स भी ऐड कर सकते हैं, वरना ज्यादातर सुक्रोज ऐड किया जाता है, विच इज द नॉर्मल टेबल शुगर ना, ठीक है। अच्छा, सो मिल्क हो गया, कल्चर हो गया, स्वीटनर हो गया, उसके अलावा कुछ स्टेबलाइजर्स भी ऐड किए जाते हैं। स्टेबलाइजर्स क्यों ऐड किए जाते हैं? ताकि जो टेक्सचर है वो स्मूथ ही रहे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि योगर्ट जब हम घर में बनाते हैं तो थोड़ी देर बाद पानी अलग हो जाता है, सॉलिड्स अलग हो जाते हैं ना, जिसको हम कहते हैं वेइंग ऑफ। वेइंग ऑफ का क्या मतलब है? जो योगर्ट का जो मिल्क का आपको मैंने बताया था, सॉलिड पार्ट अलग हो जाए तो बाकी जो लिक्विड पार्ट बचता है उसको हम वे कहते हैं। तो वो लिक्विड पार्ट अगर अलहदा होना शुरू हो जाए तो हम इसको वेइंग ऑफ कहते हैं, या फिर इसको साइनेरिसिस भी कहा जाता है कि जो वे है वो अलग होना शुरू हो जाए। तो इससे बचने के लिए हम स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं टू प्रोड्यूस स्मूथनेस इन द बॉडी एंड टेक्सचर, इम्पार्ट जेल स्ट्रक्चर एंड रिड्यूस वेइंग ऑफ, ठीक है। ये स्टेबलाइजर्स बेसिकली क्या करते हैं, ये इनके अंदर कैपेसिटी होती है वाटर होल्डिंग की, ठीक है, वाटर को होल्ड कर सकते हैं ताकि वाटर अलहदा से वो सेपरेट ना होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। और ये स्टेबलाइजर्स कौन कौन से यूज होते हैं? योगर्ट के अंदर ज्यादातर जो स्टेबलाइजर्स यूज होते हैं वो हो सकता है मॉडिफाइड स्टार्च विच इज द कार्बोहाइड्रेट, या जेलेटिन विच इज द प्रोटीन,
वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एंड पेक्टिन. वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट भी प्रोटीन है और पेक्टिन क्या चीज है, ये सोल्यूबल फाइबर है ना. सो ये सारी चीजें हम डाल के योगर्ट को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं. ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है. और तो ये सारी चीजें होगी. उसके अलावा स्टेबलाइजर्स के अलावा अगर हमने फ्रूट फ्लेवर योगर्ट बनाना है तो उसके अंदर फ्रूट प्रेपरेशंस भी डाले जा सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं आपको टाइप्स ऑफ योगर्ट बताऊंगी ना, इसलिए मैंने अभी इसको हाईलाइट नहीं किया. तो अभी आप लोगों ने यही मेजर इंग्रेडिएंट्स याद रखने हैं, तो मिल्क, कल्चर, स्वीटनर एंड स्टेबलाइजर. ठीक है ना, कोई इसमें मुश्किल चीजें नहीं है. मैंने आपको ये भी बताया था ना जब हमने लेग्यूम्स किया था और सीरियल किया था कि वेट मिलिंग से हम स्टार्च अलहदा करते हैं जिसके अंदर कॉर्न स्टार्च भी हो सकता है ना. सो कॉर्न स्टार्च को हम अलहदा करते हैं वेट मिलिंग के थ्रू और वो कॉर्न स्टार्च इज यूज इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर थिकनिंग द टेक्सचर है ना. तो वही, ये वही मॉडिफाइड स्टार्च है जो हम योगर्ट बनाने के लिए भी यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो ताकि वो उसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक हो जाए. क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. ये बात ध्यान में रखनी है आप लोगों ने. ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं. ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, आपको पता है कोई भी रेसिपी होती है तो उसके पहले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके बाद उसका प्रोसीजर होता है. तो इसका प्रोसीजर क्या होता है भला योगर्ट बनाने का? बड़ा आसान से प्रोसीजर है और उसका यही प्रोसीजर है. पहले मैं आपको ना ये फ्लो चार्ट से दिखाती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाए. इधर था फ्लो चार्ट. हाँ, ये पेज 412 पे बड़ा अच्छा फ्लो चार्ट है. और इसके अंदर अभी ये कंफ्यूज ना हो जाना कि इसमें इतने सारे वो हैं. अभी सिर्फ आप लोगों ने इसका ये एक्सट्रीम जो लेफ्ट साइड पे जो है ना प्रोसेस, सिर्फ ये देखना है. ये वाला प्रोसेस सावर क्रीम बनाने का और ये प्रोसेस क्रीम बनाने का. ठीक है, सावर क्रीम तो हमने करनी नहीं है, चीज, सॉरी ये चीज का प्रोसेस है. सावर क्रीम हमने नहीं करनी, चीज वाला प्रोसेस जब हम करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. अभी सिर्फ ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला है ना, इसको देखो. देखो, मिल्क को पहले ब्लेंड किया जाता है नॉन फैट मिल्क सॉलिड्स के साथ, स्टेबलाइजर के साथ और शुगर के साथ. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जो इंग्रेडिएंट्स है ना उन सबको इकट्ठा वो जो है वो मिक्स कर लिया जाता है. मिल्क के अंदर जो है वो सॉलिड्स भी डाले जा रहे हैं, स्टेबलाइजर भी और शुगर भी डाली जा रही है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है योगर्ट मिक्स आ जाता है ना, वो एक ब्लेंडेड फॉर्म में आ जाता है. उस मिक्स को जो मिल्क है उसको हम पहले होमोजेनाइज करते हैं. ठीक है, अच्छा होमोजेनाइज करते हैं एट 60 डिग्री सेल्सियस. थोड़ा सा एलिवेटेड टेम्परेचर होता है. एलिवेटेड टेम्परेचर क्यों होता है? ये होता है, आपको मैंने बताया था ना कि होमोजेनाइजेशन को हम जरा एलिवेटेड टेम्परेचर पे इसलिए यूज करते हैं ताकि वो जरा ज्यादा अच्छी वो छोटे पार्टिकल्स हो जाएं फैट के. और दूसरा ये कि जरा वो जो लाइपेज है, एंजाइम जो है वो भी हमारा हो जाए इनएक्टिवेट. मामा, हाँ जी, सॉरी वो
अच्छा, सो आपके हम हाँ हम ये बात कर रहे थे कि वो हमारा पहले हमने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया ना, उसके बाद फिर हम उसको होमोजेनाइज करते हैं। होमोजेनाइज क्यों करते हैं? ताकि वो अलग से हमारी जो क्रीम की लेयर है ना, वो अलग से टॉप पे ना आ जाए, एक बड़ा यूनिफॉर्म सा हमारा योगर्ट जनरेट हो ना। और उसको हम एलिवेटेड टेम्परेचर पे क्यों करते हैं? ताकि ज्यादा अच्छे छोटे पार्टिकल्स हो जाए योगर्ट के, और सॉरी फैट्स जो ग्लोब्यूल्स हैं वो ज्यादा रिड्यूस हो जाए इनटू स्मॉलर ग्रेन्यूल्स। और दूसरा ये कि लाइपेज एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाए, ताकि वो ऑफ फ्लेवर्स ना प्रोड्यूस करे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और इसको कितने प्रेशर के साथ, ये आगे ना 60 डिग्री सेल्सियस के बाद उन्होंने प्रेशर लिखा हुआ है कि, लेकिन ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि होमोजेनाइजेशन को हम एलिवेटेड टेम्परेचर पे करते हैं। उसके बाद होमोजेनाइजेशन के बाद उसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं। अब ये हीट ट्रीटमेंट जो है ना, ये पेस्टराइजेशन के टेम्परेचर और ड्यूरेशन से जरा ज्यादा के लिए हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कौन कौन से टेम्परेचर होते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक टेम्परेचर लिखा हुआ है कि 97 डिग्री सेल्सियस तक हम करते हैं फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, आप लोग रिलेट कर सकते हो कि उसका जो HTST था पेस्टराइजेशन का, वो हम 72 डिग्री सेल्सियस था जस्ट फॉर 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो उसकी निस्बत जरा ज्यादा हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं पेस्टराइजेशन की निस्बत, इसमें ज्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर यूज होते हैं। अच्छा, फिर इतने डिग्री सेल्सियस वो बहुत हॉट करके फिर उसको थोड़ा सा कूल डाउन किया जाता है टू अबाउट 40 ना, एक ये जो मैं आपको वो भेजती हूँ ना, हाँ। सो इसको हीट ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा सा कूल डाउन किया जाता है 45 डिग्री सेल्सियस तक, थोड़ा सा उसको टेम्परेचर कम ला के फिर उसको फर्मेंटेशन टैंक में डाल के ना उसके अंदर कल्चर ऐड करके उसको इंक्यूबेट होने देते हैं, यानी कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। और इसका जो टेम्परेचर वही है 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप इसको रिलेट कर सकते हो कि क्यों के ये जो कल्चर है ये थर्मोफिलिक है ना, तो इसके लिए इसको ज्यादा कम नहीं टेम्परेचर करना, 35 डिग्री सेल्सियस से अबव ही रखना है। अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस तक हम रखते हैं। पीएच होता है हमारा तकरीबन 4.5, यानी कि स्लाइटली एसिडिक होता है हमारा पीएच। ठीक है, उसको फर्मेंट होने के बाद उसको, मतलब वो जो हमने कल्चर डाला है उसको कल्चर उसको इंक्यूबेट होने देते हैं। और उसके बाद फिर हम उसको मजीद कूल डाउन कर देते हैं। जब एक फर्मेंटेशन हो गई ना सारी, हमारे वो सारी चीजें प्रोड्यूस होगी लैक्टिक एसिड वगैरह, उसको हम फिर कूल डाउन करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर हमारा योगर्ट प्रोड्यूस हो जाता है। अब हमारी मर्जी है कि उसके अंदर हम फ्रूट प्रेपरेशन ऐड कर लें, फ्रूट थोड़ा सा वो ऐड कर लें ताकि हमारा एक ब्लेंडेड स्टाइल योगर्ट हो जाए। लेकिन अगर हम प्लेन योगर्ट बनाते हैं तो यहाँ पे हम प्रोसेस रोक देते हैं, अंदर फ्रूट प्रेपरेशन नहीं डाली जाती। ठीक है, सो ये चीजें मतलब आम ही है। देखो जो घर में भी हम योगर्ट बनाते हैं, आप लोगों को शायद देखा हो, उसके अंदर हम यही करते हैं कि मिल्क जो पहले से बॉइल्ड हो उसको हम स्लाइटली थोड़ा सा हीट करते हैं, है ना, थोड़ा सा हीट करते हैं, और फिर उसको हम एक जो भी हमारा वेसल है, कोई भी इक्विपमेंट है, और इक्विपमेंट ज्यादातर हम वो यूज करते हैं जिसमें से ज्यादा आसान थोड़ा सा जरा वो आसानी से हीट ना निकल जाए सारी, है ना। तो थोड़ा सा हम थेक जैसे मिट्टी का भी हो सकता है, या फिर ये जो हमारा होता है जो प्लास्टिक, हम ज्यादातर इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि प्लास्टिक में से बड़ी आसानी से वो हीट जो है वो निकल जाती है। ज्यादातर ये स्टोन का, या फिर जितने हमारे ये होते हैं ना, क्या उसको कहते हैं, ग्लास भी हो सकता है, लेकिन वो जो ग्लास से जो जो हमारा चाइना वेयर जो होता है उसके अंदर हम ऐड करके, तो अच्छी तरह से उसको टाइटली बंद करके, और किसी ऐसे जगह नहीं, पहले उसको हीट करने के बाद उसको वेसल में डालते हैं अपने कोई भी वो इक्विपमेंट में या बाउल में डाल के उसको, आपको पता है, फिर हम वो थोड़ा सा कल्चर ऐड करते हैं। कल्चर क्या ऐड करते हैं? हमारे घरों में वही कल्चर होता है जो हमारा जो योगर्ट की कोई जो पहले वाला योगर्ट है उसके जो थोड़ा सा 1-2 टीस्पून जो होता है ना, सो वो भी नॉर्मल टेम्परेचर के हों, उसको वो डाल के मिक्स करके देन वी टाइटली कवर इट, और उसको किसी थोड़े से आपको पता है कि थोड़ी सी जो एनवायरनमेंट है ना उसका टेम्परेचर
मतलब वो नॉर्मल आजकल तो खैर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, लेकिन सर्दियों में जरा प्रॉब्लम होती है कि उसको थोड़े से जैसे हॉट पॉट के अंदर रख देते हैं या इसी तरह किसी कबर्ड वगैरह के अंदर रख देते हैं ताकि थोड़ा सा इन्वायरमेंट इसका थोड़ा सा वार्म रहे ना। और वो अब इसलिए करते हैं, अब आप लोग रिलेट कर सकते हो, क्योंकि वो कल्चर जो है योगर्ट का वो थर्मोफिलिक है, थोड़े से हायर टेम्परेचर पर ये फर्मेंट किया जाता है। तो देखो वही चीजें कमर्शियल लेवल पे भी यूज हो रही है। कमर्शियल लेवल पे बस ये हो रहा है कि मिल्क के अंदर कुछ और चीजें डाली जा रही हैं, सॉलिड्स डाले जा रहे हैं, स्टेबलाइजर शुगर, उसके बाद फिर उसको होमोजेनाइज किया जा रहा है, उसके बाद उसको हीट ट्रीटमेंट किया जा रही है, और हीट ट्रीटमेंट के बाद उसकी फर्मेंटेशन की जा रही है। ठीक है ना, फर्मेंटेशन की जा रही है। और फर्मेंटेशन में ख्याल घरों में तो हमारा वो आम ही वो टेम्परेचर होता है, हम उसका इतनी ज्यादा ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन इसका जो है टेम्परेचर खास तौर पर नोट किया जाता है कि 45 डिग्री सेल्सियस तक हो मिल्क का टेम्परेचर और एसिडिटी 4.5 हो, और फिर उसको फर्मेंट होने के बाद फिर मजीद कूल डाउन किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये ज्यादा देर तक ये 45 डिग्री सेल्सियस पे ही रहा ना, तो उसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की भी ग्रोथ हो सकती है। सो ये एक जनरल प्रोसेस है टू मेक योगर्ट। इसी को हम ये नेक्स्ट क्लास में अपना जो है ना हीट ट्रीटमेंट के एग्जैक्ट क्या क्या टेम्परेचर होते हैं और बाकी कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं, होमोजेनाइजेशन हमें पता है कि क्या होती है, वो हम क्यों करते हैं, फर्मेंटेशन भी हमें ओवरऑल समझ आ गई है कि कौन सा कल्चर होता है, किस टेम्परेचर पे होता है, किस पीएच पे होता है। तो ये हम चीजें नेक्स्ट क्लास में जल्दी से एक दफा रिवाइज करके, और हमारी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है वो जो है टाइप्स ऑफ योगर्ट जो हमें आमतौर पे, हमने टाइप्स ऑफ मिल्क पढ़ा था ना कंडेंस मिल्क और ये सारा, तो योगर्ट की भी टाइप्स हो सकती हैं, प्लेन योगर्ट या फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्रूट फ्लेवर्ड वाला भी हो सकता है, या फिर ग्रीक योगर्ट होता है, लाइट योगर्ट होता है, और उसके अलावा कुछ बेवरेजेस भी होते हैं उसमें, और उसके अलावा फ्रोजन योगर्ट भी, आपको पता है आजकल इतनी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ गई है, नया नया उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, तो वो आइसक्रीम का ऑल्टरनेटिव के तौर पे, खास तौर पे आप चले जाओ ना थोड़े से ये पॉश एरियाज वाली साइड पे, तो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा इसका जो है वो यूज होना शुरू हो गया है, इसकी डिफरेंट वो जैसे आइसक्रीम बार्स होते हैं ना, इसके भी बार्स बनना शुरू हो गए हैं। सो जल्दी से हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करके ये वैरायटी पढ़ के देन वी विल स्टार्ट विद द चीज। ठीक है, आई होप आज का आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप वैसे पूछ सकते हो।